हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 गणित मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से पूरे क्वेश्चन 17 तक के हम लोग के एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के क्वेश्चन जो है सॉल्व करना आपको सिखाया था, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आसान तरीके से हम लोगों ने उसको सीखा था। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा, हमारे चैनल पर विजिट कर वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर है? तो आज के सेशन में हमको क्या करना है, ये सभी को समझ आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 7 से हम क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे क्वेश्चन आज यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है ना? आपके बुक में जो SCERT या NCERT बुक है, उसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसे मैंने यहाँ पे भी रिटर्न रखा है। आपके पास अगर बुक नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है और विद सॉल्यूशन हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, ठीक है, तब क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ई एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और एफ जो है एक सिक्के पर चित प्रकट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख गया, तब आपको क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ई स्ट्रोक एफ आपको ज्ञात करनी है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सीखा था ना, जिन्होंने पहले से मेरा वीडियो लेक्चर देखते आए हैं उनको तो ये सब चीज़ें अब बहुत ही आसान लग रही होंगी। ठीक है, अब आपको ई और एफ दो घटना तो दे दिया है, दोनों को वन बाई वन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे हल। तो जो चीज़ें दी गई है उसे पहले नोट डाउन करते हैं। तो दो सिक्कों को उछाला गया, दो सिक्कों को उछाला गया मतलब सिक्कों की संख्या कितनी है? दो है, और दो सिक्कों को जब उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो जाती है? चार हो जाती है। ये बात तो हमको पता है, इसका यूज़ वैसे है नहीं, फिर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उसमें इसका यूज़ नहीं है, एन एस एम को लिखने का ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, एक और फॉर्मूला है जो शुरू क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, है ना, उसमें आपको एन एस जरूरत होता है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो, इसको आप बता सकते हो कि हाँ भाई दो सिक्का लिया इसलिए एन एस बराबर कितना हो गया? चार हो गया। ठीक है ना, अब वन बाई वन दो क्वेश्चन दो घटना हमको दिया है, एक एक करके देखते हैं। ई जो दिया है, क्या दिया है? ई एक सिक्के पर पट प्रकट होना। ठीक है, दो तो सिक्का आपने फेंका तो एक पर पट आता ही है, पट आता है मतलब टेल आता ही है। ठीक है, अब टेल आता है तो देखो ई बराबर एक सिक्के पर पट जरूर होगा प्रकट, तो देखो हम लोगों ने लिखा ई बराबर क्या होगा? एच टी या टी एच। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे। ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा? एच टी पहला घटना या तो टी एच। देखो दोनों में क्या हो रहा है, एक सिक्के पर पट प्रकट हो रहा है, एक सिक्के पर बस पट प्रकट होना चाहिए बोल रहा है ना, दोनों सिक्के पर नहीं बोल रहा है, एक सिक्के पर पट प्रकट होना चाहिए बोला है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया? तो एच टी लिया या टी एच लिया। तो टोटल जो घटना है, ई घटना है, उसकी संख्या कितनी हो गई? एन ई बराबर कितना हो गया? दो। ये एक और ये दो। ठीक है, ये समझ आया सभी को? अब एफ जो घटना है क्या दिया है? तो एफ जो घटना है एक सिक्के पर चित प्रकट होना, जैसे वहां पट प्रकट बोला तो यहाँ चित चित बोल रहा है मतलब हेड आना चाहिए। ठीक है, तो हेड आना चाहिए, तो देखो एफ कौन कौन सी घटना हो सकती है? एच टी या टी एच, आपको दिख रहा है एच टी या टी एच। यहाँ पे भी अगर हम लोग घटना की संख्या की बात करें तो ये भी कितनी है? दो है। देखो एक चित आ रहा है, एक हेड आ रहा है, दो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, दो चीजें यहाँ पे, एच टी बोलो या टी एच बोलो, लेकिन याद रखना एक ही बोला है, एक सिक्के पर चित प्रकट होना। ठीक है, कई लोग यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि दोनों चित प्रकट कर देते हैं या दोनों पट प्रकट कर देते हैं, ऐसा नहीं, जितना बोला है उतना ही काम करना है बच्चा आप लोगों को, है ना, एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना, जितना बोला है बस सिंपल तरीके से उसको सोचो, एक सिक्के पर चित प्रकट होना चाहिए बोल रहा है, तो चित बस को सोचो, एक सिक्के पर कोई भी पहले सिक्के पर चित आ सकता है या तो दूसरे पर भी चित आ सकता है। ठीक है, तो दो यहाँ पे कंडीशन मिल गया हमको, एन एफ की संख्या कितनी हो गई? दो, और एन ई की संख्या भी कितनी हो गई? दो। लेकिन सूत्र के हिसाब से हमको क्या निकालना है? प्रायिकता ई की जबकि एफ घटित हो चुका, ये निकालना है ना। और इसके निकालने के लिए हमारे पास सूत्र तो सभी को पता है क्या सूत्र? देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ नोट डाउन करा हुआ है मैंने। देखो बेटा ये सूत्र, ये फॉर्मूला तो सबको याद हो गई, मैंने शुरू से कहा इसको रट्टा मान लो। अब इस सूत्र के हिसाब से हमको या तो प्रायिकता निकालना है, ये वाला सूत्र लगाओगे तो प्रायिकता निकालना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आसान क्या है? मैंने ये वाला सूत्र हर बार ये वाला सूत्र लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया ना। तो इसमें क्या होगा, आपको इनकी संख्या से मतलब है। तो देखो ऊपर में क्या लिया है, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, देखो ई में क्या क्या है और एफ में क्या क्या है, कुछ उभयनिष्ठ निकल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकल रहा है, एच टी यहाँ पे भी है,
TH TH यहाँ पे भी दोनों उभयनिष्ठ निकला ना, तो उभयनिष्ठ दोनों निकल गया HT और TH, मतलब इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या भी दो हो गई भैया। ठीक है, अब हम लोग सीधा जो प्रायिकता निकालना है उसमें मान रख देते हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ई स्ट्रोक एफ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो सभी को पता है, यहाँ जो मैंने नोट करके रखा है ना, हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। बार बार कह रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा आसान है, दोनों फॉर्मूले से आप बना सकते हो ठीक है, लेकिन ये वाला यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आसान है। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग क्या वैल्यू पुट करना है बस। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना है 2, और एन एफ का वैल्यू भी कितना है 2, तो क्या हो गया 2 2 कैंसिल हो गए और आगे आंसर कितना 1, मतलब ये श्योर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, निश्चित या श्योर प्रायिकता जो है इसे ही कहते हैं ना, आंसर एक आएगा इसका। कैसे आया समझ आया सभी को? ठीक है, अब फिर कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आपने तो कहा था प्रायिकता एक नहीं आता है ना। तो जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको मैंने बोला था कि प्रायिकता जो है शून्य से एक के बीच में आता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि एक नहीं आ सकता, एक भी आ सकता है, एक से बड़ा नहीं आ सकता और शून्य से छोटा नहीं आ सकता, ये बात तो याद रखना आप। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सेकंड क्वेश्चन इसी का जो दिया है ये देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड जो दिया है, ई कोई पट प्रकट नहीं होता और एफ क्या है, कोई चित प्रकट नहीं होता। ठीक है, ई क्या बोलता है कि कोई पट प्रकट नहीं होता है और एफ बोलता है कोई चित प्रकट नहीं होता है। अब इसमें एक एक करके देख लेते हैं इसको, कि ई कोई पट प्रकट नहीं होता तो आप क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके भी रखा है ना, तो कोई पट प्रकट नहीं होता, पट प्रकट नहीं होता मतलब टेल नहीं आएगा, टेल नहीं आएगा मतलब दोनों सिक्के में आपने दो बार दो सिक्का फेंका है ना, या दो बार फेंका जो भी है, तो ये क्या होगा, दोनों में क्या होगा, पट प्रकट नहीं होगा मतलब चित चित आएगा, हेड हेड आएगा, तो हेड हेड आ गया है ना। एनी की संख्या की बात करें तो हो गया कितना 1। अब यहाँ दो मत लिख देना, हेड हेड तो एक ही इवेंट है ना भाई, है ना। चलो उसी प्रकार एफ जो घटना दिया है, क्या कोई चित प्रकट नहीं होता है, बोल रहा है कोई चित प्रकट नहीं होगा मतलब पट पट आएगा, चित नहीं आ रहा है मतलब पट 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 मतलब क्या, टेल टेल। ठीक है, तो टेल टेल आ गया, एफ इज इक्वल टू टेल टेल लिया, तो इसकी संख्या भी एन एफ की संख्या भी कितनी हो गई 1। और जब हम इन दोनों में उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ एक भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, रिक्त निकलेगा, खाली निकलेगा, जीरो निकलेगा। ठीक है ना, समझ आ गया। और जीरो निकलेगा तो इसकी संख्या भी कितनी होगी, अगर हम एन ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो इसका मान भी कितना होगा, जीरो ही होगा ना भाई, तो टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है यहाँ। ठीक है, सिंपल सा बस अभीष्ट प्रायिकता करके लिखो, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो और इस वाले फॉर्मूले पे ही वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो बटे एक मतलब क्या, मतलब जीरो, सिंपल। ठीक है सर, समझ आ रहे हैं सभी लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्लियर हुआ ना यहाँ तक? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। दो घटना दे दिया आपको, ठीक है, जिसमें से ई एक घटना दिया है, क्या तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना चाहिए, और एफ एक घटना है जहाँ पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ई क्या है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होगा, और एफ क्या है, पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होगा, तो उसी के हिसाब से लिखेंगे। एक ही पासा है लेकिन उसको 3 बार उछाला गया, जब 3 बार उछाला जाता है तो मैंने तो आपको तरीका सिखाया था ना, एन एस का मान कितना हो जाएगा, 6 की घात 3 मतलब 216। देखो मैं बार बार समझा रहा हूँ, इसको आप नहीं लिखोगे या आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो आपको आपको फॉर्मूला बताता हूँ उसमें एन एस का ज़्यादा उपयोग है ही नहीं, इसको उपयोग है ही नहीं। मैं डायरेक्ट आपको एन ई इंटरसेक्शन एफ और एन एफ अगर मिल जाता है तो उससे मैं वैल्यू पुट करता हूँ और आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल देता हूँ। ठीक है ना, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमको पता है तो भाई वो सबसे पहले वो जानकारी तो लिख ले, एक पासे को अगर 3 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर समष्टि एन एस बराबर कितना होगा, 216 होगा। ठीक है, अब दो घटना दिया है, ई और एफ दिया, ई और एफ दिया, तो ई क्या है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होगा, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होगा मतलब पहले दो उछाल पर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन तीसरे उछाल पर देखो, तीसरे उछाल पर 4 आना ही चाहिए। अब देख रहे होंगे यहाँ मैं जो लिखा हूँ हर में, तीसरे उछाल पर 4 आएगा ही आएगा, पहले दोनों पे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, क्लियर है ना, तो उसको पूरा लिख लो, तीसरे उछाल पर
चार प्रकट होगा, मतलब पहले हो सकता है, देखो इसको ध्यान समझना, हो सकता है पहले उछाल पर एक आए, दूसरे उछाल पर भी एक आए, लेकिन तीसरे उछाल पर चार आना जरूरी है, समझ रहे हो। इसी तरह से क्रम को आगे बढ़ाते हैं, पहले उछाल पे हो सकता है एक आए, दूसरे पे दो आए, फिर चार आना जरूरी है, फिर देखो ये कंडीशन, तीसरे पे चार आना जरूरी है, पहले में हो सकता है एक आए, दूसरे में तीन आए, ठीक है, और लास्ट पे क्या आना चाहिए, चार आना जरूरी है। इसी तरह से आप हल करते जाओगे। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ है ना, तो इसी तरह से हमको करते जाना है, बस तीसरी उछाल पर चार आना चाहिए, ये हम चेकआउट करते जाएंगे। तो देखो इसको भी वैसे ही, पहले पे दो आ गया, दूसरे पे एक और तीसरे पे चार, ठीक है, इसी तरह से दो एक चार, दो दो चार, दो तीन चार, दो दो चार चार, ठीक है, इसी तरह से करते जाना है, दो पाँच चार, दो छः चार, ये समझ आ रहा है। मैं डेज डेज कर दिया हूँ क्योंकि वो आप अच्छे से आप समझ सकते हो, उतना हमको लिखना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसा कर सकते हो, नो डाउट, क्लियर हुआ ना। इसी तरह से क्या होगा, पहले में तीन आ सकता है, तीन एक चार, तीन दो चार, है ना, तो यहाँ पे एक और लाइन आएगा, तीन एक चार, तीन दो चार, तीन तीन चार, तीन चार चार, है ना, इस तरह से ये तीन छः चार तक होगा, फिर एक और आएगा चार से, है ना, तो चार एक चार, चार दो चार, चार चार तीन चार, है ना, इसी तरह से करते करते चार छः चार तक आ जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे तो पाँच वाला भी वही लाइन आएगा, पाँच एक चार, पाँच दो चार, पाँच तीन चार, पाँच चार चार, है ना, पाँच छः चार, इस तरह से बनते जाएगा। इसी तरह से छः लास्ट में आ जाएगा, क्या, छः एक चार, छः दो चार, छः तीन चार, छः चार चार, छः पाँच चार और छः छः चार, इससे ज़्यादा संभावना है ही नहीं, जितना ये जो घटना दिया है ना उसमें इतनी संभावना है। जब इसको हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह से ये छः बनेंगे, और लाइन भी देखो एक दो तीन चार पाँच छः बनेगा, तो छः छः 36, तो एन ई का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ता हमको, हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग हम आसानी से मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब एफ की घटना, जो एफ है उसकी बात कर लेते हैं, घटना एफ क्या दिया हुआ है, देखो बेटा, तो घटना एफ दिया है कि हम पहली दो उछालों पर क्रमशः छः और पाँच आएगा, मतलब दो फिक्स है, पहले पे छः आएगा और दूसरे पे पाँच आएगा, ये फिक्स है, लेकिन तीसरे पे क्या आएगा, ये फिक्स नहीं है भैया, है ना। तो जब आपने पासा फेंका तो पहले में छः, दूसरे में पाँच तो पक्का है, लेकिन तीसरे पे हो सकता है एक आ जाए, लेकिन ज़रूरी है क्या, अपना राज चल रहा है क्या, एक ही आएगा, नहीं ना, तो क्या हो सकता है, वो छः पाँच एक, छः पाँच दो, छः पाँच तीन, छः पाँच चार, छः पाँच पाँच, छः पाँच छः, ये छः और पाँच फिक्स है, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है पहले और दूसरे पे क्रमशः छः और पाँच आना ही चाहिए, लेकिन तीसरे पे एक दो तीन चार पाँच ये वैरी कर सकता है, बदल सकता है, क्लियर है ना। जब इसकी संख्या की बात करेंगे तो एन एफ बराबर कितना हो जाएगा, छः गिन के देख लो, एक दो तीन चार पाँच और छः, ये बात समझ आया सभी लोगों को, ठीक है, चलें आगे, है ना, इतना चीज़ समझ आ गया अच्छे से। अब हमको क्या निकालना होता है, उभयनिष्ठ, ई और एफ में उभयनिष्ठ, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, ई और एफ में उभयनिष्ठ क्या होगा, तो आप देखोगे ई और एफ में छः पाँच चार आपको उभयनिष्ठ निकलेगा, छः पाँच चार, देखते हैं। चलो यहाँ पे आ गया हमारे पास, एफ के पास छः पाँच चार दिख रहा है, हाँ, अब ई के पास भी चेकआउट कर लेते हैं, छः पाँच चार कहाँ पे होगा, तो देखो ये छः वाला जो लाइन है ना, छः वाला जो लाइन है उसी में ही यहाँ कहीं छः पाँच चार आएगा, उसके अलावा तो है ही नहीं, चांस नहीं बन रहा है कोई भी, आप चेक कर लेना, इतने सारे नंबर हैं और इस ऐप में आप चेक करके देखोगे तो छः पाँच चार के अलावा कोई और भी चीज़ उभयनिष्ठ नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू जो होगा वो छः पाँच चार ही होगा, मतलब इसकी संख्या कितनी होगी, तो इसकी संख्या जो होगी वो होगी एक, क्लियर हो गया बेटा। देखो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, इंटरसेक्शन वाला ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू होगा उसकी संख्या होगी कितनी, एक, ठीक है ना। चलो अब सूत्र के हिसाब से मान रख देते हैं, अभीष्ट प्रायिकता हमको पी ई स्ट्रोक एफ चाहिए, और ये सूत्र हमारा होता है, देखो दो तरह से मैं लिखा हूँ इसको, लेकिन फिर से वही बात करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे ये वाला और इस पे यूज़ करेंगे, तो इसका वैल्यू तो हमको पता है एक है, और नीचे में एन एफ का, एफ का मतलब कितना है, एफ का वैल्यू या मान कितना है, तो छः है, तो 1/6 क्या होगा इसका आंसर होगा, सिंपल, ठीक है, समझ आया सभी लोगों को, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा इधर के क्वेश्चन करने में, है ना। तो वन बाय वन जब आप सारे क्वेश्चन बनाते जाओगे, आप ही अपने मन से जब करते जाओगे, चीज़ों को सीखोगे हो ना, तब आपको इंटरेस्ट आते जाएगा, और ये मैथ्स जो है ना आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। प्रायिकता जो नंबर मिलने वाले हैं आपको यहाँ से 10 अंक, पूरे में पूरे 10 के 10 आप ले सकते हो, ठीक है ना। बोर्ड एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ हमेशा, टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम पे ही रखते हैं, आपको 10 में 10 चाहिए इस पार्ट से, मतलब चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिया खड़े हैं, ठीक है। अब बोलता है कि यह कंडीशन क्वेश्चन दिया है, ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है
और ए पर जो बोलता है पिता मध्य में खड़ा है, तब आपको पी ई स्ट्रोक एफ ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो माता पिता और पुत्र हैं, तीन जन हैं, माता पिता और पुत्र। हम लोग क्या कर लेते हैं, माता को एम से, एम फॉर मदर, ठीक है, पिता को एफ से, एफ फॉर फादर, और पुत्र को एस से, एस फॉर सन से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। बार बार माता पिता पुत्र नहीं लिखेंगे हम लोग, माता को एम, पिता को एफ और पुत्र को एस से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। माता मतलब मदर है ना, एम से लिख दिया, पिता फादर को हमने एफ से लिख दिया, और पुत्र एस को हम, पुत्र सन जो होता है उसको एस से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है ना। अब देखो तो टोटल जो होंगी व्यवस्था कैसे हो सकती है, भाई तीनों खड़े हैं तो तीनों की जो टोटल व्यवस्था है, जितनी संभावना है उसको पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि हम लोग लिख लेते हैं, तो टोटल जो संभावना है, जितनी संभावना है उसको हम सबसे पहले देखें प्रतिदर्श समष्टि के रूप में। तो माता पिता पुत्र खड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये माता पुत्र और पिता खड़े हो सकते हैं, या पिता माता और पुत्र खड़े हो सकते हैं, पिता पुत्र और माता खड़े हो सकते हैं, या पुत्र पिता और माता, और पुत्र माता और पिता। इस तरह से छह ही ऐसी संभव घटनाएं हैं जिसमें वो टोटल इस रूप में खड़े हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई चांस नहीं बनता। तो एन एस की संख्या जो है वो कितनी होगी, देखो बेटा एन एस की संख्या जो हो गई टोटल वो हो गई छह, ठीक है। एन एस दिख रहा है आपको, एन एस कितना हो गया, छह। एन एस का मान जो है छह, काउंट कर लेना, गिन लेना। अब ई और एफ, क्योंकि मैंने बताया ना इसका ज़्यादा रोल होता नहीं, हमारे हमारे टेक्निक से एन एस का कोई ज़्यादा रोल होता नहीं इसमें। अगर आप इस पद को, इस स्टेप को छोड़ सकते हो तो छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये चीज़ नहीं लेना है, हम जो फॉर्मूला बनाते हैं उसमें ई इंटरसेक्शन एफ का बहुत महत्व है, और जो बटे में आता है उसका महत्व है ना। तो ये आप एन एस को छोड़ सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो यहाँ, ठीक है ना। पर जैसा क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन लेके उन चीज़ों को लिख देते हैं। इससे क्या है, हमारा जो मार्क्स लेने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। पूरे में पूरे मार्क्स देता है जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला होता है, वो भी क्या करता है, सोचता है, देखता है, हाँ इतना सिस्टमेटिक तरीके से आपने बनाया तो आपको पूरे मार्क्स देता है वो, ठीक है ना। चलो अब देखिए, हम लोग ई और एफ घटनाएं थी, तो ई कैसा घटना था भाई, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, बोल रहे पुत्र कहाँ पर खड़ा है, एक सिरे पर खड़ा है, ठीक है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है तो हो सकता है, देखो यहाँ तीन जन खड़े हैं, एक दो और तीन, इस तरह से, तो हो सकता है पुत्र यहाँ खड़ा हो सकता है पुत्र यहाँ खड़ा हो, कोई भी सिरा हो सकता है ना। तो इसी तरह से सोचते हुए, हो सकता है पहली बार में हम लोगों ने पुत्र को यहाँ रखा तो पिता यहाँ और माता यहाँ, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, माता यहाँ और पिता यहाँ, दूसरा कंडीशन। लेकिन पुत्र यहाँ खड़ा नहीं होगा तो इधर खड़ा होगा, और इधर खड़ा होगा तो पिता यहाँ माता यहाँ, फिर वही बात क्या हो जाएगा, पिता यहाँ और माता यहाँ, है ना। इस तरह से बन सकता है, तो उसको हम लोगों ने लिखा। इमेजिनेशन आपको समझ आ रहा है, थोड़ा इमेजिन करना है, सोचना है कौन कहाँ खड़ा होगा, किस तरह से कंडीशन होंगी, ठीक है ना। अब देखो इस तरह से हम लोगों ने समझा, तो एक एक करके इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे कि भाई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो एम एफ एस, देखो एस जो है एक सिरे पर है, एफ एम एस एस एक सिरे पर है, एस एफ एम एस एक सिरे पर है, एस एम एफ, इससे ज़्यादा संभावना है ही नहीं, आप करके देख लो कितना भी, ठीक है। जब आप काउंट करोगे तो एक दो तीन चार, इसकी संख्या, एनी की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, फोर हो जाएगी, क्लियर ना, क्लियर। यहाँ तक बेटा समझ आया सभी को। अब एफ जो घटना है क्या दिया है, पिता मध्य में खड़ा है, ये नेसेसिटी है, जरूरी है कि पिता जो है उसको बीच में ही खड़ा करना है। मतलब माता और पुत्र अपना स्थान बदल सकते हैं, माता इधर पुत्र इधर, है ना, वो दोनों पुत्र इधर आ सकते हैं, पुत्र पुत्र और माता जो है अपना स्थान आपस में बदल सकते हैं इस तरह से, लेकिन पिता जो है वो बीच में खड़ा ही रहेगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब देखो तो उसको हम लोगों ने लिखा कैसे, ये लिखा हम लोगों ने इस तरीके से, एम एफ एस और एच एफ एम, इससे ज़्यादा और संभावना बन रही है क्या, नहीं बन रही ना, ठीक है। तो एन एफ की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, दो होगी, काउंट करके देख लिए, एक और दो, ठीक, यहाँ तक समझ आ गया सभी लोगों को। अब देखते हैं, क्योंकि हमारे सूत्र में ई इंटरसेक्शन एफ आता है भाई, है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान होगा, देखो दोनों में उभयनिष्ठ कौन होगा, तो एम एफ एस, इसमें भी क्या एम एफ एस, हाँ भाई है, एस एफ एम, एस एफ एम, तो इसमें भी है, मतलब दोनों उभयनिष्ठ निकल गए, है ना। तो ये दोनों को उभयनिष्ठ लिखा, और जब इसको गिने तो एक और दो, दो उभयनिष्ठ, दो चीज़ उभयनिष्ठ निकल रहा है ना। तो ये हम लोगों ने लिखा क्या, एन ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना होगा, दो होगा। अब सिंपल है, आप फॉर्मूला बस पे मान रख दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है, समझ आ गया। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी स्ट्रोक ई स्ट्रोक एफ इज इक्वल टू एन ई
इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ वैल्यू डाल दोगे तो इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 2 और एन एफ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2, तो 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 9 क्वेश्चन हो गए है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्या सभी को? ठीक है चलो। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, ठीक है। अब इसमें दिया गया क्या, ए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने का सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बता दूँ है ना। तो इंग्लिश में जो ये क्वेश्चन छपा हुआ है ना, वहाँ पे ये जो 9 होने का जो प्रायिकता लिखा है, सप्रतिबंध प्रायिकता, वो 9 से ज़्यादा लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 9 लिखा हुआ है। तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, हो सकता है आपके बुक में जो आंसर दिया हो वो मिसमैच कर जाए, पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन 9 बोलेगा तो क्वेश्चन का पूरा सिस्टम बदल गया, सब चीज़ें बदल जाएगी, ये तो आप समझदार हो ना। इसलिए आंसर भी हो सकता है वेरी कर जाए, आप पीछे जब उत्तरमाला देखोगे ना तो हो सकता है वेरी कर जाए। लेकिन मैंने कहा, लेकिन ये जो प्राप्त संख्याओं का योग 9 बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाई वन देखते हैं। दो पासा, एक पासा काले कलर का है, एक पासा लाल कलर का है, दोनों को हम लोग फेंक देते हैं। तो लाल व काला व लाल को उछालने पर, काला और लाल पासे को उछालने पर, ठीक है। दो पासा को फेंक रहे हैं इसलिए जो प्रतिदर्श समष्टि NS जो होगा वो कितना होगा, NS होगा कितना, 36। ये बात समझ आ गया, ठीक। अब E किसको लेंगे, तो E मैंने आपको सिखाया था ना, E किसको लेना है, तो जो आपको प्रायिकता शब्द जहाँ पे मिलता है ना, तो क्या बोला, देखो प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, मतलब यही ई है। प्राप्त संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ये सप्रतिबंध प्रायिकता, मतलब यही क्या लेंगे, ई लेंगे। हर बार उस शब्द को आपको खोजना है, किसको ई लेना है, किसको एफ लेना है ना। मैंने बताया अच्छे से, इससे पहले भी हम लोगों ने जब 1 से 6 तक के क्वेश्चन किए थे उसमें भी अच्छे से मैंने डील किया था उसको, ठीक है। तो 9 होना चाहिए, योग 9 होना चाहिए, मतलब क्या क्या हो सकता है। दो पासे को फेंक रहे, मतलब पहले में हो सकता है काले में हो सकता है, 3 है तो लाल में 6 है, 9 आ रहा है ना, योग देखो 3 और 6 9, वैसे 4 और 5 9, या 5 और 4 9, या 6 और 3 9, इससे और ज़्यादा कोई चांस बनता है क्या 9 होने का। अब 2 और 7 कोई मत बोल देना भाई, पासे में 7 नहीं आता है ना। कई लोग होते हैं जो बहुत माइंडेड होते हैं और इतना सोच लेते हैं कि 2 और 7 और 7 और 2 लिख के भी आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, अपना दिमाग अपने पास लेके जाना है। क्लियर हुआ? तो 3 6 4 5 5 4 6 3, ये जो है ये है क्या, जिनमें योग आ रहा है, मतलब ये ई है, ई घटना है। और एनी की जो वैल्यू की बात करेंगे तो एनी बराबर कितना होगा, 4 होगा। अब एफ, एफ क्या लेना है, तो दूसरी जो घटना है वो भी आपको यहीं मिलेगी। क्या है एफ, देखो यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काला और लाल बोल के आपको कन्फ्यूज किया, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, काला और लाल बोल के समझ लो। दो पासा है, एक काला पासा जो है पहला है और लाल पासा जो है दूसरा है, तो टेंशन नहीं लेना इसमें ना। अब काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है तो मतलब पहले पासे पर 5 आना चाहिए, दूसरे पर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। वो बोल रहे हैं काले पर, मतलब पहले पासे पर 5 आना ही चाहिए, ठीक है। तो वही बना दिया हम लोगों ने, हाँ काले पासे पर 5 प्रकट होगा, मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 हो सकता है, ठीक है। जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 हो रहे हैं, तो एन एफ बराबर कितना आ गया, 6। अब रहा बात उभयनिष्ठ निकालने का, तो ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ई और एफ दोनों में आपको एक चीज़ तो उभयनिष्ठ मिलेगा ही मिलेगा, वो है क्या, ठीक है, ये 5 और 4, ये 5 4 और इसमें भी 5 4, ये उभयनिष्ठ निकल गया। मतलब उभयनिष्ठ की संख्या कितनी है, 1 है। अब सीधा सिंपल सा प्रायिकता जो है वो निकालना है, तो इसके सूत्र पे हम लोग मार रख देते हैं, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर हो गया, बना लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें क्या, ये रहा सूत्र, ठीक है। इस पे वैल्यू डालना है, इसका मान है 1, इसका मान है 6, तो 1/6 क्या होगा आपका आंसर। क्लियर है ना। चलो अब इसी क्वेश्चन में बी पार्ट भी दिया है, बी को भी डील करें, ठीक है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग जो है 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि अज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या जो है 4 से कम है। अब इसको देखते हैं भैया, ठीक है, इस बार योग 8 होना चाहिए, मतलब ई एक घटना है जहां योग आपको 8 लाना है,
ठीक है। तो ये रहा प्राप्त संख्याओं का योग 8 है, ठीक है। अभी प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना चाहिए, ठीक है। तो 8 होना चाहिए, तो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, इससे ज़्यादा कोई चांस बढ़ रहा है कि 8 होने के लिए? नहीं ना, ठीक है। तो ये हो गया, इसको काउंट कर लेंगे तो कितना आएगा, एनी का मान जो हो जाएगा 5। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एफ जो घटना है वो बोल रहा है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। 4 से कम मतलब लाल पे जो आ रहा है संख्या वो हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, लेकिन 4 नहीं हो सकता, और 4 से ज़्यादा मतलब 5 6 नहीं हो सकते, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो जब लाल पे 1 आएगा तो ऐसा तो नहीं है काले पे भी 1 आएगा, जरूरी है क्या? नहीं ना, हो सकता है काले पे 1 आए, लाल पे भी 1 आए, हो सकता है काले पे 2 आए, लाल पे 1 आए, है ना। तो उसी को थोड़ा अच्छे समझते हैं। 4 से कम आना चाहिए बोल रहा है लाल पासे पर, एक पासा जो है लाल है ना। 4 से कम मान लो दूसरा पासा को हम लोगों ने लाल माना, तो काले पे भी तो जरूरी नहीं है ना भाई कि 4 ही आएगा, है ना। ऐसा तो कुछ तो कंडीशन नहीं बोला है, ठीक है। 4 से कम आना चाहिए बोल रहा है किस पे, लाल पे। तो देखो काले पे हो सकता है 1 आए, तो लाल पे भी 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 1 जो है वो काले पासे पे 1 आ रहा है, लेकिन लाल पासे पे 4 नहीं आना है, 4 से कम ही आना है, ठीक है। उसी तरह से 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3, 4 1, 4 2, 4 3, 5 1, 5 2, 5 3, 6 1, 6 2, 6 3, ये घटनाएं हैं जो हो सकती हैं, ठीक है। आपका दिमाग काम कर रहा होगा, आप सोच सकते हो इन चीज़ों को, कैसे मैंने ये सब चीज़ें ली, ठीक है ना, समझ आ गया यहाँ तक। चलो इसी तरह से आपको काम करते जाना है, देखते हैं आगे। इतना समझ आ गया, अब इसको काउंट करेंगे तो देखो इसको काउंट करोगे तो आएगा कितना, एनएफ का मान आएगा 18। क्लियर हो गया ना, 18 आएगा। अब 18 आएगा, उसके बाद हम लोगों को उभयनिष्ठ निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, तो देखो ना आप 5 3 और 6 2 इंटरसेक्शन आएगा ई और एफ में, 5 3 यहाँ दिख रहा है, 5 3 और 6 2 है ना, 5 3 और 6 2 दिख रहा है क्या सभी लोगों को? ये 5 3 और ये 5 3 और ये 6 2, है ना। इसी तरह से आपको ऊपर इधर भी मिलेगा, देखो 5 3 और 6 2, ये रहा 5 3 और ये रहा 6 2, ठीक है, समझ आ गया। तो एन एफ का मान कितना, 18। उभयनिष्ठ निकल गया कितना, 2। 5 3 और 6 2 कितना हो गया, इसकी संख्या हो गई 2, ठीक है। तो इसका मान में आ गया कितना, 2। अब सूत्र में मान रख दो, प्रोबेबिलिटी ई स्ट्रोक एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, है ना। तो ये हो जाएगा 2 और बटे 18, तो 2 बटे 18 मतलब 1 बटे 9, ये आंसर आएगा करेक्ट। सिंपल है, समझ आया बेटा सभी को, क्लियर हुआ ना। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। एक न्यायन पासे को उछाला गया है, घटनाओं ई इज इक्वल टू 1 3 5 दिया है, एफ इज इक्वल टू 2 3 दिया है, और जी इज इक्वल टू 2 3 4 5 दिया है। इसमें हर चीज़ दे दिया है, तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है ये, ठीक है ना। अब इसके लिए निम्न ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है आपके सामने, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इसको देख लेना। 3 क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है ना, इनको ज्ञात करना है हमको वन बाय वन, मैं सभी को देख दिखाऊंगा यहाँ कैसे हल करेंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रख दिया, अब एक एक करके मैं सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो पहले क्या दिया है, एक न्यायान पासा है। न्यायान पासा मतलब एक सही तरीका से बना हुआ पासा है, धोखे वाला नहीं है ना, वो जय वीरू वाले जो शोले पिक्चर में होता है ना, हेड और टेल जो है सिक्का खराब रहता है लास्ट में, किसी ने देखा होगा मूवी तो, ठीक है। वहाँ जो है दोनों तरफ क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, हेड और टेल की बात ही नहीं रहती, वहाँ हेड हेड रहता है कहते हैं, ठीक है। तो वो न्यायन पासा, ये न्यायन सिक्का नहीं है, न्यायन सिक्का है। न्यायन पासा होने के लिए उसमें जो चीज़ जरूरी है, जैसे 1 से 6 तक के अंक जरूरी है, तो 1 से 6 तक होने ही चाहिए, वो होता है न्यायन पासा, ठीक है। तो इन न्यायन शब्द क्या है, न्याय शब्द क्या है, उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, समझ आ गया। चलो तो एक न्यायन पासा जो है उसको उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 आ गया, क्योंकि एक ही पासा है, तो एन एस का मान कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ें दी हुई है, क्या क्या दी हुई है ये भी देख लेते हैं। तो ई बराबर दिया है 1 3 5, 1 3 5 ई बराबर है ना, और ई बराबर 1 3 5 दिया मतलब इसकी संख्या, एन ई बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, एफ बराबर 2 3 दिया मतलब इसकी संख्या, एन एफ मान 2 दिया है, जी बराबर कितना दिया है, 2 3 4 5 दिया मतलब एन जी का मान कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन जरूरत पड़ता है तो हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ई और एफ में इंटरसेक्शन क्या है, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये हो गया 3 मतलब इसकी संख्या कितनी, 1। इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं ई और जी में, हाँ भाई ई और जी को देखो, ई में क्या है, ई में 1 3 5 और जी में क्या है, 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 3 और 5 उभयनिष्ठ निकल रहा है, किसमें, ई और जी में। तो ई और जी में क्या निकला, 3 और 5 निकला, मतलब इसकी संख्या अगर हम लोग बात करें एन ई
इंटरसेक्शन जी का तो कितना होगा, 2। ये सब हम लोग नोट कर लिए भाई अच्छे समझ के, इनका जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लिए, नोट कर लिए, आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे इसका यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलो आते हैं अब क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ई स्ट्रोक एफ आपको ज्ञात करना है ना। इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, आपको इसका वैल्यू भी पता है, नीचे एन एफ का भी वैल्यू पता है, सीधा पुट करना है, 1/2 आंसर आएगा, ज़्यादा यहाँ समझाने का ज़रूरत ही नहीं। ठीक है ना, वैसे एफ ई अगर बोल दिया, ई एफ स्ट्रोक ई बोल दिया तो 1/2 में एन ही आ जाएगा, बस सीधा सिंपल एन ही का मान डाल दो, 1/3 हो गया। ये क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है, एकदम सिंपल हलवा। ठीक है, जस्ट लाइक अ हलवा, खा लेना है बस कपाक से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ई स्ट्रोक जी ज्ञात करना है। स्ट्रोक जी ज्ञात करना है तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा। फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी, ये हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी बनते जाएगा, क्लियर हो गया। चलो तो ये चीज़ समझ आ गया, अब आपको तो हर चीज़ पता है। ई इंटरसेक्शन जी तो हम लोगों ने निकाल के रखा था, कितना आया था, 2 आया था ना, और एन जी का मान कितना, 4, तो 2/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, मतलब 1/2 हो गया ना, बन गया भाई, है ना। अब जी स्ट्रोक ई भी निकाल सकते हो, जस्ट उल्टा, 1/2 में क्या हो जाएगा, एन ही आ जाएगा, मान डाल दो, 2/3 हो गया ना, रखा ही क्या है, यहाँ सारी वैल्यू आपके सामने है, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला सही तरीके से लगाना है और निकालते जाना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, है ना, उसमें 2-3 चीज़ें एक साथ करने को पड़ेगा हमको, है ना, वो देख लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, देखो चलो देखते हैं, यहां हमको निकालना है क्या, पी ई यूनियन एफ स्ट्रोक जी, मतलब हमको ई यूनियन एफ पहले निकालना है भैया, यूनियन एफ संघ पहले निकालना है। ठीक है ना, संघ निकालेंगे, उसके बाद जी के साथ उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी मैंने बना दिया, देखो फॉर्मूला ये बन के रह गया आपके सामने। ठीक है, जो चीज़ पूछ रहा है बस उसी को हम लोगों ने फॉर्मूले के रूप में लिखा, बहुत सिंपल। यहाँ पे मान लो एक ही चीज़ है ना भाई, ई यूनियन एफ नहीं लिखा है, ई ही लिखा है, एक सेकंड के लिए समझ लो, है ना, तो उसी को वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, आराम से बन गया। ये ई इंटरसेक्शन एफ लिखते थे वैसे ही तो है, ये भी फॉर्मूला बन गया। कुल मिला के हमको ई यूनियन एफ निकाल लेना है, फिर बात बन जाएगा। तो ई यूनियन एफ आप निकाल लेना, यूनियन मतलब संघ, संघ मतलब मिला के लिख देना है ई और एफ को। ई और एफ को जब मिलाओगे तो 1, 2, 3 और 5 आएगा। ठीक है, और जब इसकी संख्या की बात करेंगे तो एन ई यूनियन एफ का जो संख्या है वो 1, 2, 3, 4 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ई यूनियन एफ जो हमने निकाला उसमें और जी में इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 2, 3, 5 निकलेगा। मतलब इसका जो उभयनिष्ठ है ई यूनियन एफ और जी का जो उभयनिष्ठ है वो कितना आया, 3 आया, देखो गिन के 1, 2 और 3। ठीक है, 2, 3 और 5। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई, बस इसी को उठा के सब मान डाल दो आप समीकरण एक में, आपका आंसर आ गया 3/4, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी है, ये आपकी स्क्रीन पे है, समझने का कोशिश करना, आराम से बना लेना, है ना। आपकी स्क्रीन पे मैंने पूरी तरह से सोल्व करके इसको लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मैं प्रोवाइड कराने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगते हैं बेटा, देखो आप लोग इसको इग्नोर मत करना, है ना, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि हमारा ये जो चैनल है ना सभी बच्चों तक पहुँच जाए। जिस दिन ऐसा हो गया ना, मैं मेरा मेहनत सफल हो गया मैं मानूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको आपको पढ़ाने के लिए मैं इसमें सब चीज़ें कर रहा हूँ, है ना। तो आपको आपको बस ये सोचना है कि कैसे भी करके ये हमारा ही चैनल है और एक ये चैनल जो है सारे बच्चों तक पहुँचे, तो सर जो चाहते हैं वो काम हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो ये काम ज़रूर करना कि सभी बच्चों तक शेयर करो, है ना, और एक सिस्टमेटिक नोट्स बनाते चलो, ताकि स्कूल खुले ना खुले वो तो बात की बात है, जब भी खुले तो आप बाकी लोगों से, जितने मेरे साथ जुड़े हैं बाकी लोगों से आप इतना परसेंट तो कम से कम थोड़ा आगे रहो, है ना, वो भी एकदम बेसिक से। ऐसा नहीं है मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया, हो गया भैया ख़त्म, ऐसा बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक के, पढ़ा दिए और हो गया ख़त्म, वैसा नहीं। जैसा क्लास चलता है, प्रॉपर क्लास चलता है विद द सिलेबस, सिलेबस के साथ एकदम 1/1 मैं आपको यहाँ पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है ना,
तो सपोर्ट करते रहना हमारे चैनल को बेटा, ठीक है। अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिनको लगता था पहले कि ये सब फालतू है ना, तो एक बात बता दूं, क्योंकि वो सब मेरे को पर्सनली तो जानते नहीं है, है ना। फालतू तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ, ऐसा नहीं है 10-20 वीडियो डाल दिए सर बैठ जाएंगे चुपचाप आराम से, नहीं मैं पूरा पढ़ाऊँगा, मतलब पढ़ाना है मुझे, ठीक है ना। चलो तो अभी तक जो वेट कर रहे थे कि यार पहले थोड़ा देख लेते हैं फिर सब्सक्राइब करेंगे, तो समय आ गया है कि आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और अपने फ्रेंड्स तक हमारे जो चैनल है ना उसको सेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अगर वो मुझे मिल जाए ना, वो फैसिलिटी अगर मुझे मिल जाए, तो एक प्रॉपर टाइम में 6 बजे मैथ्स तो 6 बजे मैथ्स, 7 बजे फिजिक्स तो 7 बजे फिजिक्स, उसके बाद आप कभी भी देख सकते हो वो बात नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम बन जाएगा हमारा, समझ रहे हो ना। जैसे स्कूल के क्लासेस चलते हैं ना, इस समय इस लेक्चर को देखेंगे, इस समय इस लेक्चर का टाइम है, उसी तरह से, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ आ गया सभी लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चा बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है, मतलब बच्चा लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, दोनों की संभावना है, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, यदि यह दिया गया है कि, दो कंडीशन है, एक एक करके दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन पूछा क्या है कि दोनों बच्चों की जो है लड़की होने की चलो बच्चों देखो, थोड़ा यहाँ से मिसमैच हो गया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो क्वेश्चन तो मैंने आपको सभी को डिटेक्ट करा दिया था, इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखो तो जन्म लेने वाला बच्चा जो है ना, प्रायिकता क्या ज्ञात करना है कि बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, और यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा जो है वो क्या है लड़की है, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन दिया गया है क्या कि न्यूनतम एक बच्चा जो है वो लड़की है, ठीक है। चलो दोनों को देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो देखो लड़का के लिए मान लेते हैं बी फॉर बॉय ले लिया हम लोगों ने, बी फॉर बॉय बी हम लोगों ने लिए लड़के के लिए, और जी ले लिया किसके लिए, लड़की के लिए, ठीक है ना। चलो तो एक एक करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बी जो है लड़का के लिए, बी लड़की के लिए, प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया और देखा कि दो बच्चे हैं, मतलब टोटल संभावना क्या हो सकता है, दोनों के दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का, या दोनों लड़कियां हो सकती हैं, ये बात समझ आ रहा है, ठीक है। एक एक करके कंडीशन देखेंगे, तो टोटल संभावना कितनी है, एनएस जो है वो 4 है। अब कंडीशन क्या दिया है, ठीक है, तो दोनों बच्चों का लड़की होना, ये हमको सप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है, मतलब इसको हम ई लेंगे, दोनों बच्चों लड़की होना मतलब जी, और जी इसकी संख्या की बात करेंगे तो एनी का मान कितना होगा, 1 होगा, ये बात समझ आ गया सभी लोगों को, ठीक है। अब क्या है, अगर हम बात करते हैं एफ की, तो सबसे छोटा बच्चा जो है वो लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, मतलब वो हो सकता है पहला लड़का दूसरा लड़की या दोनों लड़की, तो बी बी या जी जी, सॉरी बी जी या जी जी, ये हो सकता है। देखो बी जी हो सकता है या जी जी, मतलब जो छोटी बच्ची जो हुई है वो क्या है, वही लड़की होगी, है ना। तो दो सेकेंड नंबर पे लिखा है, देखो सेकेंड नंबर पे जी, और यहाँ पे भी सेकेंड नंबर पे जी, लेकिन दोनों लड़कियाँ हो सकती हैं, ये भी संभावना बनता है ना। तो देखो इससे ज़्यादा संभावना नहीं बन सकता, अब हम लोग बॉय और बी और बी तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते भाई, है ना, और बी जी और बी भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दूसरा लड़की जो है, मतलब जो छोटा बच्चा है वो लड़की होना चाहिए, ये बोला है ना, तो ये भी नहीं ले सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आएंगे तो एन एफ का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। जब उभयनिष्ठ निकालेंगे तो जी जी आप देखोगे उभयनिष्ठ निकलेगा, मतलब उभयनिष्ठ की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, मतलब अभीष्ट प्रायिकता जो है आप आराम से निकाल सकते हो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये रहा फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग आप अभीष्ट प्रायिकता ज्ञात कर सकते हो, क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा सेकेंड कंडीशन देखें, तो ई तो वही है, ई मतलब हमको दोनों बच्चा लड़की होना ही चाहिए, इसकी प्रायिकता सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, लेकिन एफ जो है वो कंडीशन चेंज हो गया, न्यूनतम एक बच्चा जो है क्या है लड़की है, एक बच्चा कम से कम लड़की है, मतलब हो सकता है पहला बॉय दूसरा गर्ल, ठीक है, पहला गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों के दोनों गर्ल, कम से कम एक बच्चा लड़की होना चाहिए बोल रहे हैं ना, दोनों भी संभावना है, तो टोटल 3 संभावना बनती है, ठीक है। एन एफ का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया, इसलिए बार बार ई इंटरसेक्शन एफ निकालने का जरूरत नहीं है, उसका मान कितना है, 1 है ना, 1 है, यहाँ पे भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो ये एन ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम लोग निकालें यहाँ,
ये चलो निकाल के देख लेते हैं। ई और एफ में उभयनिष्ठ, ई और एफ में उभयनिष्ठ निकालने के देखें तो एफ का मान हम लोगों के पास यहाँ पे क्या क्या दिया है, बी जी, जी बी और जी जी, और ई का मान देखें, ई का मान है जी जी, तो जी 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 यहाँ पे भी क्या होगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ जो सेम पहले आया था ना, इससे पहले क्वेश्चन में वही काम फिर से यहाँ पे, तो जी जी जो है वही क्या है, उभयनिष्ठ निकला। ठीक है, तो यहाँ पे जी जी उभयनिष्ठ निकलेगा, मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना होगा, एक होगा, और एन एफ का मान तीन है, तो 1/3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आया सभी लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य प्रकार के प्रश्न, आसान प्रश्न, 200 सत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी? अब इतना सारा चीज़ दिया है, यहाँ हौचपौच हो गया पूरा, है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको एक टेबल के फॉर्म में निर्माण कर लिया, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आएगा। ठीक है ना, एक मैंने एक टेबल के फॉर्म में इसको क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन का जो भी डाटा दिया हुआ है उसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। देखो समझो ध्यान से, दो तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, एक सत्य सत्य प्रश्न है और एक बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सत्य सत्य और बहुविकल्पी बना लिया। उसमें भी एक सत्य सत्य जो है आसान टाइप के भी हैं और कठिन टाइप के भी हैं, उसी तरह से बहुविकल्पी भी आसान है और कठिन भी है। अब देखो, सत्य सत्य के आसान प्रश्न 300 है, कठिन प्रश्न 200 है, सत्य सत्य वाले, मतलब टोटल सत्य सत्य के 500 प्रश्न हैं। उसी प्रकार बहुविकल्पी के जो 500 आसान प्रश्न हैं, 400 कठिन प्रश्न हैं, तो टोटल जो है 900 प्रश्न जो है बहुविकल्पी के हैं। अब आसान प्रश्नों की अगर बात करें तो आसान प्रश्न कितने हैं, टोटल 800 आसान प्रश्न हैं और कठिन प्रश्न टोटल 600 हैं। इसे भी हम लोगों ने टोटल निकाल लिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो एक प्रश्न आपको चुनना है और उसमें से आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमको। तो कंडीशन ये है कि बहुविकल्पी होना चाहिए वो जो प्रश्न चुने हो, और आसान प्रश्न होना चाहिए। तो ई, ई मतलब आसान, इजी, और बहुविकल्पी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एम मतलब ये हमको निकालना है प्रायिकता, ई स्ट्रोक एम। अब ई एम क्या है, इसको यहाँ मैंने लिख दिया है। देखो, टी फॉर लिख दिया मैंने ट्रू फॉल्स, मतलब सत्य सत्य वाला प्रश्न, एम फॉर लिख दिया बहुविकल्पी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ई फॉर लिख दिया इजी, मतलब आसान प्रश्न, और डी फॉर लिख दिया कठिन प्रश्न, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना है क्या, एक प्रश्न जो क्या हो, आसान हो और बहुविकल्पी हो। तो प्रोबेबिलिटी ई, जबकि चुना गया प्रश्न जो है क्या है, वो बहुविकल्पी है, तो ई स्लैस एम या स्ट्रोक एम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसका फॉर्मूला बन क्या जाएगा, क्या ये है ना, क्लियर हुआ? चलो, इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल मान अगर हम लोग देखें तो एन ई इंटरसेक्शन एम का मान 500 है। देखो आप टेबल पे देखो, ई इंटरसेक्शन एम का मान कितना है, 500 है भाई, ई इंटरसेक्शन एम का मान है 500, ये रहा ई इंटरसेक्शन एम का मान 500। ई मतलब आसान और एम मतलब क्या है, बहुविकल्पी, तो आसान और बहुविकल्पी 500 प्रश्न है, उभयनिष्ठ 500, और टोटल बटे में क्या है, एम है, एम मतलब बहुविकल्पी, बहुविकल्पी के टोटल प्रश्न कितने हैं, 900 ना, तो बटे में आ गया 900, तो 500/900 इसका आंसर होगा, 500/900 मतलब 5/9। ठीक है ना, समझ आ गया ये क्वेश्चन जो है, ठीक, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो एक ही स्क्रीन पे इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को, है ना, चलो एक एक करके देखते। अब देखते हैं यहाँ पर भाई कि दो पासा को फेंका गया, दो पासा को अगर फेंका गया है तो प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा, 36 होगा, ये बात तो हमको पता है, 36 होता है। ठीक है ना, अब ई और एफ दो घटनाएं लेनी है, तो ई केस को लेते हैं जो प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो देखो, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ही क्या है, ई है, तो दोनों संख्याओं का योग 4 होना चाहिए, मतलब कौन कौन आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, या 3 1 आ सकता है, मतलब इसकी संख्या कितनी होगी, एन ई बराबर 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार एफ, एफ क्या बोला है कि प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, मतलब दोनों दो पासा फेंके हो, है ना, कि दो पासों को फेंका तो दोनों में अलग अलग अंक आया, पहले में एक तो दूसरे में एक नहीं आएगा, पहले में एक तो दूसरे में दो, पहले में एक तो दूसरे में तीन, है ना, 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से चलते जाएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा, और 6 6 नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें आएंगी।
ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हर एक चीज़, इतनी सारी चीज़ें आ सकती है, क्योंकि भिन्न भिन्न आना चाहिए, मतलब दोनों पासे में भिन्न भिन्न आना चाहिए। पहले में एक आया तो दूसरे में तीन आएगा, चलेगा। पहले में एक आया तो दूसरे में दो आएगा, ये भी चलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब इसमें उभयनिष्ठ निकाल लो, ई और एफ में उभयनिष्ठ निकाले, ई और एफ में उभयनिष्ठ निकाले तो देखो आपको क्या क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, तीन एक और एक तीन निकलेगा, तीन एक और एक तीन, ठीक है, उभयनिष्ठ निकला। अब इसकी उभयनिष्ठ संख्या की बात करें तो उभयनिष्ठ की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई, ये भी हमको समझ आ गया भाई अच्छे से। तो अभीष्ट प्रायिकता जो होगा क्या होगा, प्रायिकता का सूत्र लगा तो 2/30 होगा, 2/30 मतलब 1/15 होगा। बात क्लियर, क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्का को उछाले। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है, क्या कह रहे हैं पूरी बातें यहाँ पे बता दूँ, यहाँ तक का जो है कि पासे को फेंकना है। अब पासे में अगर कोई संख्या 3 का गुणज है, मतलब 3 का गुणज मतलब 3 एकम 3 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, और 3 3 9 तो नहीं आ सकता है ना, तो 3 दूनी 6 या 3 एकम 3 आ रहा है ना, 3 या 6 आएगा तो आपको क्या करना है, पासे को फिर से फेंकना है। 3 या 6 आएगा तो आप पासे को फेंकना है, अगर नहीं आया तो आपको एक सिक्का को फेंकना है, सिक्का उछालना है, ठीक है, समझ आ गया। अब घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सब प्रतिबंध प्रायिकता जैसे ही दिखता है आप उसी को ही ई ले लिया करो। देखो यहाँ ई जो दिख रहा है, घटना कौन सा है, सिक्के पर पट प्रकट होना, ये क्या है, ई है, ये तो समझ आ गया। और दूसरा घटना जो दिख रहा है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, वो क्या है, एफ है, एक एक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले पूरी जो संभावना है उसको देख लें, उस पर विचार करें, तो देखो क्या क्या हो सकता है, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी हो सकती है और वो कौन कौन सा हो सकता है, इसको तो समझे। देखो पहले पे एक आएगा तो आपको क्या करना है, सिक्का फेंकना है, सिक्का फेंके तो हो सकता है हेड आ गया, पहले पे एक तो कोई जरूरी क्या हेड आएगा, नहीं ना भाई, टेल भी आ सकता है, तो हेड आ गया, 1H और 1T दोनों संभावना है, 2H और 2T भी संभावना है, लेकिन 3 आएगा तो आपको सिक्का नहीं फेंकना, आपको फिर पासा फेंकना है, तो 3 आया तो 3 1 आ सकता है, दूसरे बार आपने फिर पासा फेंका, जरूरी है ना, तो 3 आया तो एक बार पासा फेंका तो 1 आया। अब कोई जरूरी नहीं कि 3 और 1 आए, 3 और 2 भी आ सकता है, 3 और 3 भी आ सकता है, 3 और 4 भी आ सकता है, 3 और 5 भी आ सकता है, और 3 और 6 आ सकता है, 3 का काम खत्म हुआ। अब चार आया तो 4, क्योंकि 3 का गुणज नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर से सिक्का फेंकोगे, तो 4 और हेड आएगा, हो सकता है 4 और एच आया, उसी तरह से 4 और टी आया, ठीक है, टेल आया, ठीक। फिर 5 के लिए भी कंडीशन, 5 और हेड, 5 और टेल, लेकिन जैसे ही 6 आया, फिर से 6 अगर आ गया तो 3 का गुणज है, इसलिए आप क्या करोगे, फिर से पासा फेंकोगे, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये संभावना बनती है, टोटल काउंट करोगे तो 20 प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ई जो है क्या है, वो घटना लेना है जिसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी, सप्रतिबंध तो सिक्के पर पट प्रकट होना चाहिए, ये सप्रतिबंध प्रायिकता हमको ज्ञात करना है, पट आना चाहिए, पट मतलब टेल आना चाहिए। अब इसी में से आपको छांट लेना है, ये जो 20 चीज़ें लिखी ना उसमें से आपको छांटना है, टेल आना चाहिए, टेल आना चाहिए, तो कौन कौन सा, देखो टेल वाला, 1H 1T 2T 4T और 5T, छांट के देख लो, टेल इसी में आ रहा है, पट प्रकट होगा, आपको टेल चाहिए, एक टेल आपको चाहिए, है ना। तो ये 4 संख्या है, 4 संभावना है, तो इन घटनाओं की जो संभावना है टोटल जो है 4 है, जहाँ पे पट आ सकता। दूसरा जो बोला है कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना चाहिए, 3 तो एक बार आना ही चाहिए, वो रहे न्यूनतम, न्यूनतम बोलने का मतलब एक बार कम से कम 3 आना ही चाहिए, एक से ज़्यादा आएगा तो भी चलेगा, तो 3 वाले जितने भी हैं सबको गिन लो, आप यहाँ से निकालो 3 वाले जितने भी हैं, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 3, ठीक है। अब जब ई और एफ में आप उभयनिष्ठ निकालोगे भैया, तो ई और एफ में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो टी नाम का चीज़ है ही नहीं एफ में, और ई में टी है, तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा, मतलब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या हो जाएगी 0। और फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला कहता है कि एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, तो 0/7 0/7 मतलब 0, करेक्ट आंसर है, क्लियर हुआ। तो प्रश्न क्रमांक 15 बना, ठीक है। 16 प्रश्न को देखें, 16 और 17 जो प्रश्न है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न जो है यहाँ दिए हैं, ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको टिक लगा के बस बनाना है, तो देखो इसको भी मैं बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, और इसी तरह के प्रश्न जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक ही प्रश्न वाली समझते हो ना, तो उससे क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट करके मत जाना, उसको ऐसे फालतू मत समझना भैया, ये आपके फ्यूचर का निर्माण कर सकता है,
तो ये जो क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व कर लिया करो, है ना। आपको क्वेश्चन दिया, देखो पी ए बराबर भी दिया, पी बी बराबर भी दिया, पी ए स्ट्रोक भी आपको ज्ञात करना, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आ जाएगा आपका सीधा सूत्र बनता है ये वाला, याद है ना सूत्र। और बटे में क्या है पी बी, पी बी मतलब क्या दिया है आपको, जीरो दिया, जीरो बटे में जीरो कोई भी चीज़ आता है तो वो परिभाषित नहीं होता है, ये तो पता है ना। तो आंसर कौन सा होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, क्लियर हुआ। इसी तरह से 17 क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए स्ट्रोक बी इज इक्वल टू पी बी स्ट्रोक ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब तब कौन से इनमें से सही है ये आपको बताना है। तो चलो भाई सॉल्व करने का कोशिश करते हैं इसको भी, कौन सा सही है हमको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो चीज़ दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे कि पी ए स्ट्रोक बी इज इक्वल टू पी बी स्ट्रोक ए होता है। अब फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों ने सूत्र लगा दिया, देखो सूत्र ए बन गया, बटे में ए आ गया और एक में बटे में बी आ गया, है ना। तो ऊपर कट गया दोनों, ऊपर तो सेम है ना, दोनों कट गया, है ना। अब जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो पी ए जो है इधर चले गया और पी बी इधर चले गया, तो पी ए बराबर पी बी ये करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से आपको सारे प्रश्न जो है वो बनाने हैं, क्लियर हुआ बेटा। तो आज का क्लास थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन प्रश्नावली जो है पूरा 13.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। 13.1 जो हम लोगों ने टारगेट रखा था इसको आज की क्लास में कराना है, मतलब कराना है। तो 13.1 मैंने पूरी तरह से आपको कंप्लीट एक एक क्वेश्चन मैंने कराया, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पे डाउट होता है तो मुझे फिर से मैसेज करना है ना, या वीडियो को पुनः पीछे जा कर के आप उन लेक्चर को फिर से देखना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ 13.1 के जितने क्वेश्चन हैं सभी लोगों को समझ आए होंगे, मतलब चैप्टर नंबर 13 जो है उसके उदाहरण से लेके 13.1 के लास्ट क्वेश्चन तक अब आपसे सभी बन जाने चाहिए बिल्कुल करेक्टली, ठीक है ना। चलो 13.2 प्रश्नावली का जो टॉपिक है उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, घर पे रहो, खुश रहो, है ना। और पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा ज़रूर दो, क्योंकि ये तो संभावना बिल्कुल नहीं है कि स्कूल जल्दी ओपन हो जाए, खुल जाए, है ना, समझ रहे हो बात को। तो अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है ना, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर हुआ। चलो ठीक है, तो ये 13.1 तक के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। जिनको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है सपोर्ट करना बेटा, हमारे चैनल को बिल्कुल ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, है ना। सभी बच्चों तक शेयर करना, इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ ये काम, है ना। तो आप लोगों तक, सारे बच्चों तक पहुँचना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है ना, जो आपके हेल्प से ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सारे बच्चों से कनेक्टिविटी है मेरी, है ना, नहीं है। कुछ दिन पहले मुझे कोई जानता भी नहीं था, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोई जानते भी नहीं थे, कई स्टूडेंट हैं जो जानते हैं पर्सनली, है ना, लेकिन बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं जो मुझे जानते भी नहीं है, पर संभव हुआ ये, है ना। उसी तरह से आपको भी अपने फ्रेंड्स तक शेयर करने हमारे चैनल को, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।